Pakistan Armed Forces Association of Canada is celebrating 50th Defence Day inside Capitol Banquet Hall, and that 50th Defence Day meant to celebrate Pakistan's attack on India 50 years ago. And we tried to enter and we tried to cover this event inside, but the organizers did not allow us to enter, and they said that this is their private function, and they would not allow media to cover this event. But there are some protesters outside, and we can see police cars as well, and as well as we can hear some Canadian naval band parade outside this banquet hall. हम यहाँ पे अपने दोस्तों से जानना चाहेंगे कि इस कवरेज की हमें परमिशन है या नहीं पर है। वकार भाई, कोई साथी हमें बताना चाहेंगे कि हमें परमिशन है या नहीं है? सर, आई वी हैव टू आस्क द बोर्ड, एंड इट्स ऑल देयर चॉइस व्हाट दे वांट। क्या वजह है कि क्यों बोर्ड बताएगा जब इट्स अ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट इवेंट। ठीक है, सो आपकी चॉइस होती है कि आपने कवरेज करनी है, बिकॉज इट्स नॉट अ गवर्नमेंट फंक्शन, इट्स अ सोशल क्लब वी हैव, एंड वी मीट ऑल फैमिलीज, बच्चे हैं, दे आर लाइक इट्स ऑल फैमिलीज, सो वी आर हैविंग अ फंक्शन। Okay. So it's not a government function. Okay. Where we have to have media. Okay. So it's not like a liberal party's function or conservative's function. Right. It's a private function. Okay. So इस शादी कैसी शादी हो रही हो? They don't want to do a coverage. So. तो protesters क्यों आ रहे हैं इतने private function को? I don't know. क्या वजह है? No idea. आपने हमें बता दिया वाजह तौर पर कि मीडिया को इजाज़त नहीं है अंदर कवर करने की, इसलिए हम अब यहाँ से जा रहे हैं। इसलिए नहीं कि हमारा प्राइवेट फंक्शन है, सो दैट्स व्हाई वी डोंट हैव एनी मीडिया कवरेज और एनीथिंग लाइक दैट। सो प्रोटेस्टर्स आर गैदर्ड आउटसाइड कैपिटल बैंक्वेट हॉल मिसिसागा, एंड दे हैव डिफरेंट बैनर्स, एंड दे आर सेइंग दैट द इवेंट इनसाइड कैपिटल बैंक्वेट हॉल इज नॉट अकॉर्डिंग टू कैनेडियन वैल्यूज। देखिए, ऐसा है जनाब कि हम यहाँ पर एक माइंड सेट के ख़िलाफ़ खड़े हुए हैं, और उस माइंड सेट का मानना यह है कि जिसने वर्दी पहनी हुई है वो तो उस मुल्क का वफादार है, और जिसने इस मुल्क की वर्दी नहीं पहनी हुई वो इस मुल्क का गद्दार है। मतलब अगर आप हकूक़ की बात करते हैं तो आप गद्दार हैं। हम यहाँ पर सॉलिडरिटी के लिए आए हैं उन बलोचों के साथ जो यहाँ पर एहतजाज के लिए हैं। मैं बलोच नहीं हूँ, मैं सिर्फ़ एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हूं, और उसी नाते से मैं यहां पर आया हूं। मेरा मानना यह है कि पाकिस्तान में जब भी कभी अहमदी हो, शिया हो, ईसाई हो, हिंदू हो, या महाजिर हो, या बलोची हो, किसी को मज़हब के नाम पे मारा जा रहा है, किसी को फ़िरक़े के नाम पे मारा जा रहा है, किसी को अकीदे के नाम पर मारा जा रहा है, किसी को ज़बान व लसानियत की बुनियाद पर मारा जा रहा है, और मारने वाले अपने आप को मुहिब्बे वतन कहते हैं, और जो मजलूम मर्रा होता है, जिनकी लाशें वीरानों पे मिलती हैं, जो मावराए अदालत कत्ल किए जाते हैं, उनको गद्दार करार दिया जाता है, मैं उनकी हिमायत के लिए यहाँ पर आया हूँ। इट्स एब्सोल्युटली अपॉलिंग व्हाट्स हैपनिंग इन पाकिस्तान। मेनी मेनी बलोची सिविलियंस हैव डिसअपीयर्ड, दे हैव बीन किल्ड, यू नो, एंड द हाई हैंडेडनेस ऑफ द मिलिट्री इन द मैटर, दिस शुड बी समथिंग दैट शुड बी अनएक्सेप्टेबल टू एवरी सिंगल पाकिस्तानी। जो कुछ ये प्रोटेस्ट हो रहा है इसमें कोई हकीकत नहीं है। ये चंद, क्या कह सकता हूँ, इनके कुछ अपनी प्रॉब्लम्स होंगी जो ये पाकिस्तान के ऊपर डालना चाहते हैं, वरना पाकिस्तान में अगर ये खुद गुंडागर्दी ना करें तो शायद पाकिस्तान एक डिफरेंट हो जाए। आपका ये मौक़िफ़ है एक पाकिस्तानी कैनेडियन होने के नाते? वेल, इट्स अ डिसग्रेस दैट एनीवन फ्रॉम द मिलिट्री with a retired military officers would come to Canada and celebrate a war that is 50 years. Just look at those fat cats over there. Just look at the shameful people going in there. They should be ashamed of themselves that they have become Canadian citizens, and they are talking as if they are in Lahore or Karachi trying to bully people. This is unbelievable, and this is what we fear, that instead of accepting themselves and becoming Canadians, they are the second and the third generation of Pakistani military officers who have looted the country, raped it, killed tens
3 million people in Bangladesh. Now 50,000 have died in Balochistan. They are slaughtering people, and yet they have the audacity to come here and celebrate what they call Pakistan's victory over India 50 years ago. These are the people who lost a war not once, not twice, three times, but four times. Yet they are so illiterate and so unpatriotic to Canada that instead of making Canada their first home, they still lean on and try to portray and publish the Pakistani patriotism in Canada. If they like Pakistan that much, why don't they go back to Pakistan? What they are celebrating inside that hall today is a complete expression of aggression against people. And they are celebrating it on a Canadian soil. That's what we are protesting, number one. They have no right to form a military organization in Canada called the Pakistan Army Association of Canada. We want that to be banned and the war criminals to be sent back home. They should be deported from here. And we also want to remind Canada, on the Canadian soil, that the Baloch people in Balochistan are being killed on a regular basis. There's a genocide going on in Balochistan. All the Baloch detainees have been tortured. 20,000 people have been disappeared. They are being tortured, killed in custody, and their bodies are being dumped on the streets of Balochistan. This same army that is committing genocide and war crimes in Balochistan and also committed war crimes in Bangladesh in 1971 are here to celebrate their military victory over people. That's what we are protesting against, and we want to have free Balochistan. We want our independence from Pakistan, and we'll fight for it. Viewers, as you were hearing, Mr. Zafar Baloch, who's a Baloch community leader here in Canada, and he's urging Canada to ban Pakistan Armed Forces Association of Canada. Since we have contacted Pakistan Armed Forces Association of Canada's office bearers, and they refuse to let media in, Tahir Ghora with camera person Halima Sadia, Tag TV.